अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। भाई आज हमारे एग्जीबिशन का दूसरा दिन है और हम आज अकेले ही जा रहे हैं। बाकी साथी जो है वो अभी कुछ तैयार हो रहे हैं, कुछ सो रहे हैं। सब फ्रेश व्रेश हो गए, रेडी हो गए, आएंगे बस फ्रैंकफर्ट में पहुँच गए। यहाँ से एग्जीबिशन हॉल में जाना है। अब देखते हैं कि इधर पूछते हैं, अभी हाफ एन आवर है, 9 बजे एग्जीबिशन स्टार्ट होती है, यहाँ 8:30 हो रहा है इस वक्त। बारिश अगर बहुत तेज़ हो रही है जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, फिर थोड़ा घेरा हुआ हुआ है, बारिश हो रही तेज़। चले ठीक है, फिर मिलते हैं और आप लोगों को सारी अपडेट देते हैं आज की इंशाल्लाह। ठीक है, देखिए आप बिजीएस्ट स्टेशन ऑफ यूरोप, बिजनेस सिटी भी कहते हैं इसको। यहाँ पे एग्जीबिशन बहुत होती हैं, बहुत एग्जीबिशन होती हैं पूरे साल में। से फ्रैंकफर्ट में एग्जीबिशन ही होती रहती है। अभी इस साल की पहली एग्जीबिशन ही है जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी होती रहती है। मैं आपको बताऊंगा इस बार हम इंशाल्लाह, फिर आप लोगों से मैं से पहुँच के बात करूँगा। हम फ्रैंकफर्ट मेन के बेसमेंट में जा रहे हैं मेट्रो के लिए। 103-104 जो है ये मैं से फ्रैंकफर्ट जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए बेसमेंट में आके हेरा एयरपोर्ट भी जाती है यहाँ से। बस देखिए सब एग्जीबिटर्स का चल रहा है भाई। स्टेशन ऑलमोस्ट फुल, ट्रेन का वेट हो रहा है, ट्रेन आ गई। ये हमारी मेट्रो ट्रेन आ चुकी है, इस पर हम जाएंगे। आर एनी डे एट फ्रैंकफर्ट। रोज देखें एग्जीबिशन का, विजिटर्स एग्जीबिटर सब लाइन में लगे हुए हैं। एग्जीबिशन का रोज देखें, पास स्कैनिंग हो रही है यहाँ पे काउंटर पे। इंफॉर्मेशन डेस्क से मैं से फ्रैंकफर्ट का हॉल 10, 11, 12 का एंट्रेंस कर रहे हैं भाई। सेकंड डे ऑफ एग्जीबिशन है। We wish you a pleasant stay with us. Successful day at the exhibition and joyful personal meeting. Yeah, our hall is hall 10.1. Okay. आ चुके हैं भाई अपना स्टैंड की तरफ, हम अब जा रहे हैं बस। ओ भाई ये दो बाहर आए हुए, एक सऊदी से आया है, एक पाकिस्तान से आया है। 20 घंटे ना बैठ के भैया आज जो है बिल्कुल सन्नाटा एग्जीबिशन में, सुबह से कोई कस्टमर नहीं आया, फारिग बैठे हैं। सिर्फ एक ही कस्टमर आया है हमारा, आ जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान से वेट कर रहे हैं, कल भी 11 बजे के बाद आया था कस्टमर, वेटिंग चल रही है, भी देखते हैं क्या होता है। सेकंड डे क्या पता नमाज पढ़ने जाए तो उसके बाद आ जाए। ये बहुत बिजी है, इनकी मीटिंग चल रही है लैपटॉप पर। जी आपने क्या बोला? ये डाले पीनट उठा। ठीक है
What is it tonight? Size? Was 260. Contract, yeah, I write. Hello, you decide. Okay. Your father-in-law will come 20 January. Yeah. So when he may come, also going there. 17 January, I am coming. Okay, call me, we meet. But in this time, send me also some your design. Okay, because I can choose. I have in my mobile. बड़ी गर्मी लगी हुई है भाई, रश ही रश है भाई। आज का सेकंड डे भी क्लोज हो गया एग्जीबिशन का। अब निकलने बस हम यहाँ से, अब घर की तरफ जाएंगे। अभी क्लोजिंग कर दी है स्टैंड की, अब बस जा रहे हैं। देखिए सब बंद कर दिया, कपड़ा वपड़ा लगा दिया है। बस मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, इंशाल्लाह घर पहुँचता हूँ, फिर खाना ना खाएंगे। बाकी देखते हैं हमारे साथियों ने खाना आज क्या बनाया है। जा रहे हैं होटल की तरफ, फिर बताते हैं आपको इंशाल्लाह। भाई एग्जीबिशन हॉल से निकलते हुए अब जा रहे हैं अपने स्टेशन की तरफ। वहाँ से ट्रेन पिक करके अपार्टमेंट जाएंगे, फ्रेश फ्रेश होकर इंशाल्लाह। आज का दिन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। एग्जीबिशन का सेकंड डे भी ख़त्म हो गया, दो दिन बचे हुए एग्जीबिशन के। उसके बाद देखते हैं, बताएंगे आपको इंशाल्लाह। आज तो भाई वापसी भी बहुत रश है, ये देखें फुल एक्सीलेटर फुल चल रहे हैं भाई सारे। अभी तो ट्रेन भी फुल मिलेगी बिल्कुल, पता नहीं क्या हाल होगा ट्रेन में। फुल चल रहा है, सेकंड डे क्लोजिंग मोमेंट्स। ट्रेन लेट है, ट्रेन स्टेशन भी बहुत रश है। सही है भाई, बताता हूँ कितनी देर लगेगी। आज सुबह भी हम अकेले ही आए थे और अब आज रात में भी अकेले ही जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे जो दूसरे कुलीग वगैरह आए हुए हैं या दूसरे साथी आए हुए हैं, सब जो है वो कुछ हो रहा था सुबह, कोई तैयार नहीं था कुछ नहीं था। सुबह भी अकेले निकलना पड़ा क्योंकि उन्हें भी 9 बजे एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाती है। और आज जो है वो जल्दी भी चले गए बाकी लोग, क्योंकि 5 बजे कुछ चले गए, कोई 6 बजे चला गया। एग्जीबिशन ख़त्म होते होते 6:30 बजता है, हम निकले हैं अभी। इस वक्त जो है 7:45 हो रहा है, अब जा रहे हैं हम अपने अपार्टमेंट की तरफ। एक तो खाना वगैरह क्या पका है, भूख बहुत तेज़ लग रही है क्योंकि दिन में तो कुछ खाते नहीं है, सिर्फ आसरा ही होता है थोड़ा बहुत। सुबह का नाश्ता करें, मैं जाके देखते हैं कि क्या खाने में बना है, दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी ये कि काम तो चल ही रहा है, 2 दिन बचे एग्जीबिशन के। ये हमारे अपार्टमेंट की बिल्डिंग है, ये मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं दी, मैंने बाहर से मैंने अभी दिखा दूँ। एंट्रेंस है ये अपार्टमेंट की बिल्डिंग है। क्या रन में तबियत ठीक हो गई यार? कुछ बेहतर है लेकिन अभी यार कुछ सही नहीं लग रही यार। अच्छा, खाना क्या पका है? वो बनाया चावल और कढ़ाई। चलो ठीक है, अभी बेल दिए, देखते हैं कौन डोर खोलेगा। खोलो भाई डोर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो देखो वो सो रहे और ये खाना बना के फारिग हुए और अपने घर पे बात कर रहे हैं। और बाकी लोग कहाँ हैं? इधर कौन है? ओ ये भी लेटे हैं। ज़ुबैर कहाँ है? ज़ुबैर सो रहा है। ज़ुबैर भी सो रहा है? ओहो ये भी सो रहे हैं भाई, क्या हो गया? ये सब सो रहे हैं, शाम में सो रहे हैं तो रात में जगह करेंगे।